समझाएंगे, आपके ऊपर फाइन भी लगेगा, लेकिन हमारी सुरक्षा अपने हाथ में है। जैसा कि अभी आरटीओ साहब कहते हैं, अगर आप फुटपाथ पे चलोगे तो सुरक्षित हो, अगर आप फुटपाथ पे पैदल नहीं चलोगे, साइकिल को बीच रोड में लेकर के आओगे तो कोई भी दुर्घटना आपके साथ घट सकती है, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है। और अमूमन आपने देखा होगा कि जो भी बड़ा वाहन होता है एक्सीडेंट के समय में, सारे लोग उसी पे आरोप लगाते हैं, जबकि लापरवाही छोटे वालों की भी होती है। बाइक्स वालों में भी देखा होगा आपने कि ईयरफोन्स लगा लेते हैं, फ्रैक्चर हो सकता है, लेकिन कम से कम मौत से हमारी वो रहती है, और अगर सर पे चोट आई तो मौत का सिलसिला बहुत करीब हो जाया करता है। इसी को आज की शुरुआत होगी और आज से यहां करेंगे। मैं सबसे पहले प्रभारी कोतवाली से, आरटीओ साहब से लेकर के सभी जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं, सभी लोगों ने आपको एक्सीडेंट्स और किस तरह से अपनी सुरक्षा रखें इसके बारे में बताया है। कोई बात मैं भी बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा ये चाहूंगा, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हमीरपुर मनोज शुक्ला जी, हो रही है वर्दी के नीचे, हम लोग भी वही हैं आम इंसान की तरह से, जब मौके पे जाते हैं तो सच कहूं तो कलेजा फटता है देख करके, वो दृश्य देख करके कि ये किसी के मां, किसी मां के बेटे होंगे, किसी पिता के बेटे होंगे, किसी के भाई होंगे, किसी के पिता। आज 1 नवंबर से यातायात माह का शुभारंभ हो रहा है। इस अवसर पर पुलिस लाइन परेड ग्राउंड से यहां सदर विधायक जी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और एक रैली का आयोजन किया गया, जिसके उनके द्वारा झंडी दिखाई गई। सरकार की ये इच्छा है कि दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाया जाए, लोगों को यातायात के प्रति जागरूक बनाया जाए, और न सिर्फ सरकार बल्कि सबकी चिंता का विषय है बढ़ता हुआ दुर्घटना, इनको रोकने के लिए हम ट्रेनिंग का प्रबंध कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, स्कूल कॉलेजों के माध्यम से भी लोगों को जागरूक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि इन चीज़ों को प्रभावी ढंग से रोका जा सके और सुगमता से यातायात चल सके। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के ये आज ये कार्यक्रम किया गया और ये पूरे माह चलता रहेगा, जिससे कि लोगों को और सजग और सतर्क बनाया जा सके और दुर्घटनाओं की में कमी लाई जा सके। साथ ही जो लोग भी इसको पालन करा रहे हैं उनको भी और जिम्मेदार बनाना है, पुलिस कर्मियों को भी जिम्मेदार बनाना है, जिससे कि वो भी सजग हों और खुद भी इसका पालन करें। और अभी ये आयोजन अन्य जगह भी चलेगा और आप पत्रकार बंधुओं के भी माध्यम से जन जन तक ये संदेश जाना चाहिए कि यातायात के नियमों का पालन करें और जीवन में खुशहाली लाएं। अदर ट्रैफिक्स भी चल रहे हैं, बहुत सारे लोग भी चल रहे हैं ट्रैफिक में, और अलर्ट रहे हमेशा जब भी गाड़ी चलाएं, हेलमेट मस्ट है, अभी सभी लोग जानते हैं, लेकिन पहनता कोई नहीं, ज़्यादातर लोग नहीं पहनते, और हर तरह से नए बच्चे, पता नहीं उनको ऐसा क्या लगता है कि अगर हेलमेट नहीं पहनेंगे तो उनकी क्या बात बन जाएगी, लेकिन जब कोई दुर्घटना होती है तब बड़ी तकलीफ होती है, और ख़ासतौर से उनके गार्जियंस को, तो हेलमेट लगा के चलें, सीट बेल्ट लगा कर ही चलें, लापरवाही से न चलें, क्योंकि आजकल जो बाइक्स हैं लेटेस्ट जनरेशन की हैं, ज़बरदस्त पिकअप है उनमें, और अगर वो 100 मीटर भी जाना चाहते हो तो स्पीड से ही चलते हैं, तो थोड़ा सा स्पीड कंट्रोल करें, आप सुगमता से देखें, जहाँ रश ना हो वहाँ थोड़ा सा इन्जॉय कर लें स्पीड का, वो अलग बात है, लेकिन जब रश में हो या कोई ट्रैफिक सामने से आ रहा हो तो अपने आप को कंट्रोल करके धीरे चलें, सुरक्षित चलें।